मैं पुलिस बुलडोजर का इंचार्ज डीएस पाटिल आपके सोसाइटी में आपको दरख्वास्त करने आपको विनती करने के लिए आया हूं। कृपया ध्यान दो, एज अ पुलिस ऑफिसर हमारी सभी प्रायोरिटीज बंद हो चुकी है। क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म हो चुका है। एक ही चीज का सामना करना सबका फर्ज बनता है और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ होने के बाद भी 21 दिन का कर्फ्यू लगाने के बाद भी लोगों के जहन में कुछ भी नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने अपने घर में बनाए रख के ही कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। आइंदा दूसरी किसी भी तरह से आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरू शुरू में हमने सख्ती बरती, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए आह्वान कर दिया, सबको बता दिया इसका गंभीर्य जो है वो आप एक बार पढ़ लो। इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका ऐसे कंट्रीज से जो न्यूज आ रही है उसके ऊपर गौर करें। अनफॉर्चुनेटली कई कई लोग जो है झोपड़पट्टी के वो हमारी बात मान रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के कई तुर्रम खान जो है खाली पीले रस्ते पे आ रहे, पुलिस का कहना नहीं मान रहे, आर्ग्यूमेंट कर रहे। ध्यान में रखो, ऐसे लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऐसे लोग आपके लिए बाहर जाके मौत का सामान लेके आ सकते हैं। ये कितना खतरनाक बीमारी है मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेस्ट इन पीस, यही मेरी आपको मतलब चेतावनी रहेगी। आगे चलकर आपने क्या करना है क्या नहीं करना है आपका फैसला है। आपके सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जिनका कोई कारण नहीं है वो बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर आप पाबंदी लगाओगे, उनका एक लिस्ट बना के हमको दे देंगे ताकि इन कारण के तहत हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने बोल दिया, कई बार बोल दिया, हम घूम रहे हैं आजकल, मतलब एक मजाक हो गया। पुलिस की गाड़ी आती है तो लोग अंदर जाते हैं, पुलिस की गाड़ी निकल जाती है तो लोग फिर से बाहर आ जाते हैं। ये इस तरह का मजाक आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। एक आदमी बाहर जाएगा, शिकार बन जाएगा, अपने घर में वापस आ जाएगा और पूरे परिवार को वो उसकी बाधा हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान में रखो, जितना आप समझ रहे हैं इतना ये आसान नहीं है और इसके लिए आपको खुद एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा चंद चीजें। अगर आपके परिवार का एक सदस्य कोई चुन लो, वही बाहर जाएगा, आपके लिए वही सामान लेके आएगा। दूसरी बात ऐसी है कि हाइजेनिकली जो हर बात शुरू से बताई गई है, आप अपने हाथ मुंह जो है वो हमेशा बाहर जाके आओगे तो कम से कम दिन में 3-4 बार उसका मतलब क्या आपको धोना पड़ेगा और साफ सफाई बरतनी पड़ेगी। तीसरी बात ऐसी है कि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसका वापर करके आप बिजली के बटन या दरवाजा खोलना ये सब चीजें कर सकते हैं। तीसरी बात ऐसी है कि एक ही झोला आप अपने खरीदारी के लिए इस्तेमाल करें, एक ही ड्रेस का आप इस्तेमाल करें जो बाहर जाने के लिए काम आएगा, घर में आने के बाद आप उसको उतार देंगे और दूसरा ड्रेस पहनेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हमको प्रबोधन के तौर पर आपके बीच में आके बनाने पड़ रही है, जो बहुत अच्छा नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको बोल दिया है। एज अ पुलिस ऑफिसर क्राइम प्रिवेंशन नहीं, क्राइम डिटेक्शन नहीं, किसी तरफ की इंक्वायरी नहीं है, जो कुछ हो रहा है आपके हित में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने अभी सोच लिया कि सोसाइटी में जाके एक ग्रुप तैयार करेंगे, जो लोग मेरे पास आएंगे बोलेंगे ये लोग ऐसे हैं जो हमारा कहना नहीं मान रहे, उनके खिलाफ हम कानून कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूं कि अपने घर में बनाए रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अगर निकलना है बाहर तो परिवार के किसी एक सदस्य का चयन करें, वही बाहर जाएगा और वही जो कुछ कीमती सामान है वो लेके आएगा। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, जीवनावश्यक चीजों की सभी दुकानें खुली रहेंगी, उसके लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें भी आपको तो एहतियात बरतनी पड़ेगी। 3 फुट का डिस्टेंस बना के आपको उसमें रहना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में मैं आपको ये सब कुछ बता दिया, आपके हित में है, देश के हित में है, आपके जीवन के लिए है, आपके परिवार के लिए है और सोसाइटी के लिए। ऐसे हालात में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मैंने जो कुछ बताया उसके ऊपर गंभीरता से अमल करें और मेरी सूचनाओं का पालन करें। जय हिंद।